तो ये कहानी है मसाई मारा के दो माओं के संघर्ष की। दो माएं जिनके बच्चों पे नजर है यहाँ के सबसे पावरफुल लायन यानी कि नौच या काली की। इनमें से एक माँ एक शेरनी है जो एक लायन प्राइड की लीडर है, तो वहीं दूसरी माँ है एक चीता जो अपने पांच बच्चों के साथ अकेली रहती है। ये दोनों अच्छे से जानती हैं कि अगर नौच और इसके बेटे मिल जाए तो इनके सामने टिक पाना भी नामुमकिन है। तो ऐसे में ये दोनों इनसे अपने बच्चों की जान बचाएंगी कैसे, और इसके अलावा इन दोनों के और नौच के जीवन में और क्या क्या होगा, ये सब भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये विशालकाय नदी मसाई मारा को दो टुकड़ों में बांटती है। दो टुकड़े जिसमें राज करते हैं दो दुश्मन लायन प्राइड्स। यहाँ नदी के साउथ में रहता है एक कमाल का शेर परिवार मिलिए रिवर प्राइड से। छह शेरनियों का ये परिवार मसाई मारा में बहुत अरसे से रह रहा है। इस परिवार को लीड करती है लायला जो कि परिवार की सबसे समझदार और एक्सपीरियंस शेरनी है। लेकिन अभी लायला उम्र के उस पड़ाव से गुजर रही है जब बुढ़ापा इस पर अपना असर दिखाने लगा है। वैसे लायला की 6 महीने की एक बेटी भी है, इसका नाम है मारा। इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है इनका एक साथ होकर रहना, और इनके एक साथ रहने का कारण है इनके बीच का अटूट रिश्ता। ये सब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। एक तरफ जहां लैला जैसी माए बच्चों के परवरिश का पूरा ख्याल रखती हैं, तो वहीं इन्हें बाहरी खतरों से बचाते हैं इनके पिता फेंग। इसका एक दांत अभी हाल में ही एक लड़ाई के दौरान टूटा था जिसमें ये अपने परिवार के लिए जी जान लगाकर लड़ा था, इसीलिए एक तरह से ये इसके बहादुरी की निशानी भी है। मारा के लिए तो इसके पिता एक हीरो हैं, पर अब ये बात आसपास के सभी लायंस को पता है कि साउदर्न किंगडम की रखवाली फेंग अकेला कर रहा है, और इसके वजह से आगे जो कुछ भी होने वाला है वो इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इधर नदी के दूसरे तरफ एक बिल्कुल ही अलग परिवार रहता है। ये परिवार है दुनिया के सबसे तेज लैंड मैमल यानी कि चीता का। सीता नाम की ये चीता अभी अभी ही माँ बनी है, और इसीलिए इस वक्त इसके बच्चे काफी छोटे हैं। लेकिन तब भी जब ये शिकार पर जाती है तो इसे अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ही जाना पड़ता है। ये नदी ही मसाई मारा को जीवन देती है, लेकिन यही जीवन ले भी सकती है। दरअसल अभी इस नदी का बहाव इतना तेज है कि ये बड़े से बड़े जानवरों को भी अपने साथ बहाकर उनकी जान ले सकता है, और अगर इसके बाद कोई जानवर बच भी जाए तो फिर उन्हें नदी में रहने वाले ड्रैगन जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रोकोडाइल्स की, जो शेरों से भी नहीं डरते हैं। और इसीलिए जब रिवर प्राइड नदी के पास अपना दावत उड़ा रहा होता है तो ये मगरमच्छ इनसे इनका खाना छीनने आ जाते हैं। यहाँ पर लायला और बाकी के शेरनियाँ इन्हें रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इससे इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर आखिर में जब फेंग इनके सामने आता है तब इन्हें भी डर का एहसास होता है, और ये चुपचाप वापस पानी में लौट जाते हैं। वैसे क्रोकोडाइल से भरे इस नदी का एक फायदा भी है, ये प्राइड को नॉर्दर्न अटैकर से बचाए रखती है, क्योंकि नदी के नॉर्थ में रहता है मसाई मारा के अब तक के इतिहास का सबसे ताकतवर लायन कोएलिशन यानी कि नौच और इसके बेटों का नौच लायन कोएलिशन। नौच जिसे कि हम काली के नाम से भी जानते हैं, वो पहले से ही नॉर्थ में मौजूद सभी लायन प्राइड्स पे राज करता है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए अभी इसकी नजर है साउथ में मौजूद रिवर प्राइड पर। अगर ये सब एक साथ हो तब इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए अगर ये एक साथ रिवर प्राइड पे हमला करने गए तो मारा और बाकी सभी बच्चों की जान जाना तो लगभग तय ही है। सीता के पांच बच्चे भी अब बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, और अब ये अपने आसपास मौजूद सभी जानवरों पर थोड़ा गौर भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ फेंग के सदर्न किंगडम में इस वक्त एक कमाल का माइग्रेशन चल रहा है, इसीलिए अभी यहाँ तरह तरह के जानवर दिख जाते हैं। माइग्रेशन में बहुत सारे जेब्रास भी मसाई मारा में आए हुए हैं, और रिवर प्राइड इनका शिकार करने का मन बना लेता है। उम्र ज्यादा होने की वजह से अब लैला पहले की तरह ताकतवर और फुर्तीली तो नहीं रही, लेकिन अब भी पूरे परिवार में सबसे समझदार यही है, और इसीलिए यहाँ भी यही शिकार का मोर्चा संभालती है। फिर कुछ देर के अंदर अंदर ही लैला और इसकी बहनें मिलकर एक जेब्रा के झुंड को घेर लेते हैं, और फिर पलक झपकते ही ये सब जेब्रा झुंड पे टूट पड़ते हैं। जेब्रा के शिकार में खतरा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी लैला एक जेब्रा को दबोच कर धराशाही करने में कामयाब हो ही जाती है। अभी तक किस्मत इनके साथ था, लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं रहता है, क्योंकि लैला और इसकी बहनें जैसे ही शिकार को खाना शुरू करती हैं, वैसे ही फेंग यहाँ आधमकता है, और बाकी सभी मेल लायंस की तरह फेंग भी ये शिकार इनसे छीन लेता है। और जब परिवार उठता है तो इन्हें इससे भी बड़ा झटका लगता है। दरअसल लैला को शिकार करने के दौरान बहुत गंभीर चोट आई थी, जिसके वजह से ये ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। किसी भी लॉयनेस के लिए फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है,
और लैला जैसी बूढ़ी शेरनियों के लिए तो घायल होने का सीधा मतलब है मौत। इधर नॉर्दर्न किंगडम में सीता अपने 5 बच्चों के साथ बाहर निकली होती है, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त नौचोरिस का एक बेटा यहाँ आ जाता है और ये सीता को देख भी लेते हैं। यहाँ अगर सीता अकेली रहती तो ये बड़े ही आसानी से इनसे दूर भाग सकती थी, लेकिन अभी बच्चों के कारण इसके पास ये ऑप्शन भी नहीं है। और देखते ही देखते नौच इसके बहुत ज्यादा करीब भी आ जाता है, पर यहाँ पर सीता बहुत ही अजीब चीज करती है। दरअसल ये अपनी जान को जोखिम में डालकर नौच के तरफ बढ़ने लगती है, और जब नौच इसे दबोचने ही वाला होता है तभी ये फुर्ती दिखाते हुए उससे दूर निकल जाती है, और ऐसा करके ये नौच को अपने बच्चों से काफी दूर भी ले आई थी। इसके तुरंत बाद ही नौच का बेटा भी इसके बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और खुशकिस्मती से सीता की ये ट्रिक इस पर भी काम आ जाती है। लेकिन जब ये वापस से अपने बच्चों के पास जाती है तब इसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वापस लौटकर ये देखती है कि इसका एक भी बच्चा यहाँ है ही नहीं। घबराई हुई सीता हर तरफ अपने बच्चों को खोजने लगती है, लेकिन रात हो जाने के बाद भी इसे उनकी कोई भी खबर नहीं मिलती है। पर भोर होने के बाद सीता को पता चलता है कि अब इसके 3 बच्चे ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि पिछली रात इसके 2 बच्चों को हाइनास मारकर खा गए थे, और अब सीता दोबारा उन्हें कभी भी देख भी नहीं पाएगी। वक्त बीतता है और मसाई मारा में गर्मियों का मौसम आ जाता है। इस मौसम में रिवर प्राइड के सभी शिकार मसाई मारा को छोड़कर चले जाते हैं, और इसके वजह से परिवार भी यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन लैला, जिसे की बहुत ही गंभीर चोट आई थी, वो रिवर प्राइड के साथ नहीं जा पाती है। ये अपनी बहनों को आवाज देकर रुकने को भी कहती है, लेकिन परिवार ऐसा करता तो छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए ये सब लैला के लिए नहीं रुकते हैं। पर अपनी माँ की आवाज को सुनकर मारा यहीं रुक जाती है। लेकिन ऐसा करके मारा ने खुद को बहुत बड़े जोखिम में डाल लिया था। अब तो लैला को इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नदी के दूसरी तरफ सीता और इसके बच्चे मजे से खेल रहे होते हैं कि तभी सीता की नजर 3 घुसपैठियों पे जाती है, और इससे पहले कि सीता कुछ भी कर पाती ये तीनों सीता पे हमला कर देते हैं, और सीता को घायल करने के बाद ये सीधा इसके बच्चों को मारने के लिए बढ़ते हैं। पर तभी अचानक से एक हाथी यहाँ फरिश्ता बनकर आ जाता है और तीनों चीता को भगाकर बच्चों की जान बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ सदर्न किंगडम में रिवर प्राइड इतना ज्यादा चलने के वजह से थक चुका था, इसीलिए ये एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, तो वहीं छोटे बच्चे अपने ही मस्ती में लगे रहते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद परिवार की नजर कहीं जाती है। दरअसल लैला और मारा प्राइड को खोजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो इनकी टाइमिंग इससे ज्यादा बुरी तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि नदी का लेवल अब कम हो चुका है और नौच कब से जिस पल का इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। और फिर नौच और इसका एक बेटा बेखौफ मगरमच्छों से भरे नदी में घुसकर सदर्न किंगडम में घुस आते हैं। इनके आने की खबर फैंग को भी हो जाती है, और इसीलिए ये दहाड़ कर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, पर आज इसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी इसके सामने जो शेर है वो किसी से भी नहीं डरता है। और फिर नौच और इसका बेटा बड़े ही गुस्से से फैंग की तरफ दौड़ते हैं, जिसे देखकर फैंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि ये रिवर प्राइड को छोड़कर भाग खड़ा होता है। ऐसा करके फैंग ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इससे मारा और बाकी के बच्चों की जान जाना तय हो चुका था। पर ये बात तो लैला को भी मालूम थी ही, इसीलिए ये बिना अपने जान की फिक्र किए नौच और बच्चों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, और अपने बूढ़े लीडर की ये बहादुरी देखकर परिवार के बाकी लोग भी जोश से भर जाते हैं, और पलक झपकते ही ये नौच और इसके बेटे पर हमला भी कर देते हैं। नौच ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन पर इस तरह का हमला भी हो सकता है, और आखिर में इन्हें यहाँ से वापस अपने किंगडम में लौटना ही पड़ता है। पर नौच से हुए इस लड़ाई के वजह से लैला एक बार फिर से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, और इसके ऊपर से इसे मारा भी कहीं नजर नहीं आती है। आखिर में थकी हारी लैला हार मानकर एक जगह पर लेट जाती है, और इसे लगने लगता है कि अब शायद ही अपनी बेटी से दोबारा कभी भी ना मिल पाए। लेकिन असल में तो मारा जिंदा थी, और कुछ ही देर के बाद ये लैला के पास आ भी जाती है। अब चाहे हम इंसान हो या जानवर, दोनों में ही माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे ज्यादा सुंदर होता है। आज तो लैला और बाकी के शेरनियों ने बच्चों और फैंग को बचा लिया है, लेकिन नौच और इसके बेटे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है, इसीलिए ये तो तय है कि वो वापस जरूर लौटेंगे, और ये भी तय है कि अगले बार उनका गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। तो अब इसके आगे लैला और मारा के साथ क्या होगा? क्या नौच अपना बदला लेने आएगा, और क्या सीता के बच्चे बड़े होने तक जिंदा बच भी पाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में, और अगर अभी तक पार्ट 2 आ चुका होगा तो वो आपको यहीं स्क्रीन पे नजर आ जाएगा।